चलो अच्छे, तो अब आपके क्वेश्चंस अब चेंज हो चुके हैं, अब आप लोगों के क्वेश्चंस आ चुके हैं, हमारे साइंस के क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी साइंस के क्वेश्चंस का रिप्लाई करिएगा। साइंस के क्वेश्चंस का रिप्लाई करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सबसे पहले हमारे जी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और उसके साथ में जी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में जी बच्चे जितना हो उसके क्लास को शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये क्लास की जो डिटेल्स है, जो हम तरीका है पढ़ने का, वो भी पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले साइंस के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सेरिबेलम नियंत्रण है, सेरिबेलम जो किसको कंट्रोल करता है, साइट को यानी कि दृश्य को, स्मेल को, गंध को, बैलेंसिंग शरीर के संतुलन को, या फिर भाषण नियंत्रण। जी बच्चे, वाई टी शॉर्ट्स बाय यादव, ओके नमस्ते। जी बच्चे, सभी बच्चों को नमस्ते है, नमस्ते सभी बच्चे। जी सेरिबेलम, तो सेरिबेलम किसका हिस्सा है, ब्रेन का हिस्सा है, यानी कि हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है। तो एक बार ब्रेन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन के हमारे तीन हिस्से आते हैं। एक आता है फोर ब्रेन, दूसरा आता है हिंड ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और एक आता है हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या पाया जाता है, फोर ब्रेन में पाया जाता है सेरिब्रम है, बेलम नहीं है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम कहाँ पाया जाता है, फोर ब्रेन के अंदर। दूसरा मिड ब्रेन, सेरिब्रम क्या करता है, मेन सोचने का काम करता है, यानी कि जहाँ से हम थिंकिंग करते हैं, थिंकिंग, तो सोचने समझने का काम जो होएगा, क्रिएटिव क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कि ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे हम क्रिएटिविटी लगाएंगे, ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे हम मेन सोचने का काम करेंगे। कोई इंसान बोल रहा है या काम कर रहा है, वो किसकी वजह से, वो सेरिब्रम की वजह से। उसके अलावा मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन जो आपके देखने का, ठीक है, विजुअल से रिलेटेड, यानी कि दृश्य और साथ में सुनने से रिलेटेड जो भी आते हैं वो मिड ब्रेन के अंदर आते हैं। और आखिर में आता है हमारा कौन सा, आखिर में आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के बच्चे तीन होते हैं, पोन्स मेड्यूला और सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस का काम करता है। सेरिब्रम और बेलम को कैसे डिफ्रेंशिएट करा जा सकता है, सेरिब्रम में एल नहीं आता, बी एल नहीं आता, और बैलेंस के अंदर क्या आता है, बी एल आता है, और यहाँ पे भी बेलम के अंदर भी बी एल आता है। तो मैंने ऐसे लर्न कर रहा है कि शरीर के संतुलन बनाने के लिए सेरिबेलम का काम आता है। ठीक है, पोन्स किसके लिए काम करता है, पोन्स हमारे रेस्पिरेशन के लिए काम आता है, रेस्पिरेशन के लिए, मतलब सांस लेने के लिए। और मेड्यूला का काम क्या काम करता है, मेड्यूला जो है वो हमारे वॉमिटिंग होगी या फिर कोई भी हमारे जो नॉन वॉलेंट्री एक्शन है उससे रिलेटेड काम आता है। ठीक है, वॉमिटिंग होगी, सलाइवा हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो मेन क्या काम हो गया, बैलेंसिंग, बॉडी के शरीर को बैलेंस करने का काम आता है। जी अंकित, जय हिंद जी। कब होएगा जी बच्चे, जुलाई 10 जुलाई से पहले पहले हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, 10 जुलाई से पहले पहले एग्ज़ाम होएगा। ऑन फायरिंग अ गन, अ फोर्स वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन, इट इज़ ड्यू टू, बंदूक से फायरिंग करने पर विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, इसका कारण क्या है। बंदूक जो होती है, जैसे ही बंदूक से अब हम गोली मारते हैं, ठीक है, जैसे ये मान लो ये होगी बंदूक, ठीक है, ये बंदूक होगी, और तो जैसे ही बंदूक से गोली मारी जाती है तो गोली तो इस डायरेक्शन में जाती है, लेकिन बंदूक किस डायरेक्शन में पीछे होती है, बंदूक जो है होती है एक पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो किसके वजह से लगता है, न्यूटन के पहले लॉ की वजह से, न्यूटन के प्रथम नियम की वजह से, न्यूटन के तीसरे लॉ की वजह से, यानी कि तीसरे नियम की वजह से, न्यूटन का दूसरा सेकेंड लॉ की वजह से, या फिर एक्सेलरेशन की वजह से, किसके कारण। जी सही कहा, तीसरे नियम की वजह से, न्यूटन के तीसरे नियम की वजह से रॉकेट उड़ता है। ठीक है, रॉकेट उड़ता है, साथ में जेट प्लेन भी उड़ता है,
ठीक है, जेट प्लेन हो गया, उसके अलावा रॉकेट हो गया, ये सारे किसके ऊपर काम आते हैं, न्यूटन के तीसरे लॉ की वजह से। एक और क्वेश्चन आता है आपका कि मान लो आप नाव के अंदर है, मान लो आप नदी के अंदर है, नाव के अंदर है और नाव के शोर पे है, यहाँ पे छोर पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो जैसे ही आप नाव से यहाँ पे आगे की ओर उतरने लग जाएंगे तो नाव कहाँ की ओर जाएगी, तो नाव पीछे की ओर जाएगी। नाव पीछे की ओर क्यों जाएगी, न्यूटन के तीसरे लॉ की वजह से, ठीक है, न्यूटन के तीसरे लॉ की वजह से। तीसरा जो नियम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग अपॉन में समय, तो वेग अपॉन में समय क्या होता है, त्वरण होता है, और इसकी इकाई क्या होती है, इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है, त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वेयर। अब देखो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो इकाई है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, देख लो एक और बार इकाई पूछ ली जी। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क कार्य की इकाई क्या है, न्यूटन है, फुट पाउंड है, डाइन है या फिर जूल है, कार्य की इकाई क्या है, एक्शन और रिएक्शन, बिल्कुल सही कहा। जी एक्शन और रिएक्शन, ठीक है जी। कार्य की इकाई क्या है, कार्य की इकाई क्या है, जूल है, ठीक है, कार्य की इकाई क्या है, जूल है। न्यूटन किसकी इकाई है, फोर्स की है, ठीक है। एक्सेलरेशन की आपको बता ही दिया, एक्सेलरेशन की क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। उसके अलावा वाट किसकी इकाई है, वाट है बच्चे पावर की इकाई है, पावर की क्या इकाई है, वाट है। और उसके अलावा बात कर ली जाए, उसके अलावा और क्या बात करें, अच्छा सोचते हैं, हाँ एनर्जी होगी, एनर्जी की भी इकाई क्या है, एनर्जी की इकाई भी जूल है, ठीक है, एनर्जी की भी इकाई क्या है, जूल है। एम्पियर किसकी इकाई है, एम्पियर, एम्पियर भैया हमारे करंट की इकाई है, जैसे ही शरीर में करंट घूमता है तब याद आता है कि मैडम ने कहा था कि एम्पियर इकाई है किसकी है, करंट की है, ठीक है। और कूलम किसकी इकाई है, कूलम, तो कूलम बच्चे चार्ज की इकाई है, चार्ज की इकाई है कूलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी, न्यूटन हैज गिवन थ्री लॉज, अच्छा न्यूटन ने कितने लॉ दिए हैं, चलो ये बताना है आपको कि न्यूटन ने कितने लॉ दिए हैं, एक दो तीन, कितने लॉ दिए हैं न्यूटन ने। और सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो और उसके साथ में जी बच्चे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऐसी वीडियोस और चाहिए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिवीजन करनी है आप लोगों को, तो अच्छे तरीके से रिवीजन करनी है, तो बच्चे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। हाँ, बल का सीजीएस मात्रक कितना होता है, डाइन होता है, वेरी गुड दिलशाद, बहुत अच्छी बात है जी। न्यूटन के कितने लॉ होते हैं, तो ये 4x कुछ नहीं है, ये वैसे ही आ गया है, तो एक्चुअल में न्यूटन के कितने लॉ होते हैं, तीन होते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर है, वेलोसिटी, वेलोसिटी है यहाँ पे, यानी कि वेग है, ठीक है, स्पीड है, ठीक है, यानी कि गति है, अरे यार ऑप्शन भी ढंग से नहीं लिखे हुए, बल है, ठीक है, या फिर बच्चे आप लोगों से पूछा गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा है जो स्केलर क्वांटिटी है, जल्दी से बताइए। स्टडी विद अभी, अभी जी, तो सही आंसर क्या है, स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सी है, स्पीड है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आता है, वेलोसिटी में आपका आता है डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, वेलोसिटी में क्या होती है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है जी, जीवाश्म क्या है, एक जी बच्चे फॉसिल क्या है इनमें से, प्रयोगशाला में संरक्षित पशु, अतीत का मृतक जानवर या फिर अतीत का जैविक अवशेष या फिर बच्चे मूल्यम जी बच्चे खिलौना या फिर स्टफ्ड एनिमल, ऑर्गेनिक रेलिक ऑफ द पास्ट, डेड एनिमल ऑफ द पास्ट या फिर लेबोरेटरी प्रिजर्व्ड एनिमल, फॉसिल क्या है, फॉसिल जी जी ओके। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है डेड एनिमल ऑफ द पास्ट, पास्ट का डेड एनिमल, ठीक है, फॉसिल कहलाता है। अगला क्वेश्चन
जी, इफ अ सर्टेन पेशेंट ऑफ ए ब्लड ग्रुप, ठीक है ध्यान से पढ़ना, हिंदी में पढ़ लेते हैं, यदि रक्त समूह बी की बी के किसी रोगी के तत्काल रक्त आदान की आवश्यकता हो तो उसे निम्न प्रकार का रक्त चढ़ाया जा सकता है। यानी कि आपके पास कोई एक बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, ठीक है बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, उसे अभी के अभी क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो उसे अगर अभी के अभी ब्लड चाहिए तो उसे कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले हैं जो ब्लड दे सकते हैं, ओ और बी वाले, ओ और ए बी वाले, ए और ए बी वाले, या फिर बी और ए बी वाले, किस तरह के ब्लड ग्रुप वाले जो दे सकते हैं ब्लड। वेरी गुड जी, जी बहुत अच्छी बात है जी। तो सही आंसर क्या होगा जी, तो वो कौन कौन दे सकता है, ओ, सबसे पहली बात ओ क्यों दे सकता है, क्योंकि वो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ओ क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सभी ब्लड ग्रुप वालों को अपना ब्लड दे सकता है। और ए बी क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि वो सभी ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है, यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप हो, ए और बी हो, वो दोनों से ही ब्लड ले सकता है, और बाकी ए ओ और बी जो है वो ब्लड ग्रुप इसको दे सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द कॉमन फंगल डिजीज ऑफ ए मैन, जी मनुष्य के सामान्य फंदूक जी बच्चे जनित बीमारियां कौन सी है, हैजा है, प्लेग है, टाइफॉइड है, यानी कि जी बच्चे आंत्र ज्वर है, या फिर दाद है जी। फंगल डिजीज कौन सी है, जी ओके तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दाद है। ठीक है वन ऑफ द कॉमन फंगल डिजीज क्या हो जाएगी, दाद। ठीक है क्योंकि कोलेरा क्या है, कोलेरा बच्चे आपका क्या है, एक तरह का कोलेरा और टाइफाइड क्या है, जीवाणु डिजीज है। कैसी डिजीज है, जीवाणु डिजीज है। और कौन सी जीवाणु डिजीज है, कोलेरा है, टाइफाइड है, और उसके साथ में टीबी भी जो हमारी एक जीवाणु डिजीज है। ठीक है चलो, यीस्ट इज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, ये कई बार कर लिया कि यीस्ट किससे आ सकता है, राइबोफ्लेविन से। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज निम्नलिखित में से किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से, या फिर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस में, जी बच्चे तो ग्लूकोज प्लस में क्या होता है, लैक्टोज, यार यहाँ पे लैक्टोज गलत आ रहा है, बाकी वैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस में लैक्टोज ही होना चाहिए। गैलेक्टोज से क्या बन सकता है, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज से क्या बन सकता है, जी बच्चे फ्रक्टोज बन सकता है, फ्रक्टोज। ठीक है जी बच्चे अगला क्वेश्चन, डुप्लीकेशन ऑफ ए क्रोमोजोम्स अक्कर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, क्रोमोजोम्स का जो डुप्लीकेशन होता है वो किस में होता है, माइटोसिस के अंदर, मियोसिस के अंदर, माइटोसिस और मियोसिस के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो होता है बच्चे माइटोसिस के अंदर, ठीक है माइटोसिस के अंदर। चलिए तो आज के क्वेश्चंस बस यहीं पे खत्म हुए, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लासेस अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जिन जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो सिंपल है, हमारा एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन कर रखा है, तो वहाँ से आप जी बच्चे हमारे जो क्लासेज है वो आप उनकी जो नोटिफिकेशन आती है वहाँ पर ही आती है, और पीडीएफ भी मैं वहाँ पर ही डालती हूँ, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है उसके अलावा व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं मिलने वाली। ठीक है और उसके अलावा सभी बच्चों से गुजारिश है कि क्लास को सभी के सभी बच्चे, अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, अगर यूँ लगता है कि भाई हाँ भी मैडम एफर्ट डाल रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया है मैडम ने, तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दिया करो। और उसके साथ में जी बच्चे जो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए और आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ और क्लासेज लेके आ सके। ठीक है सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।